क्या चल रहा है? तुम बताओ क्या कर रहे थे? मुझे मिस? Well, मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हें मिस ही कर सकता हूँ। 3 दिन हो गए तुम अपनी मम्मी के यहाँ गई हुई हो। सोचा था ये वीकेंड पे ले आऊंगा तुम्हें, लेकिन अब ये वीकेंड कर्फ्यू लग गया। सही है बेटा, तुम्हारे तो ऐश है, मजे लो। अच्छा एक बात बताऊँ, वो लुधियाने वाले मौसा जी है ना, वो भी आए हुए दूसरे कमरे में, तो मेरी बात कराओ उनसे। मेरी बात कराओ यार। यार मौसा जी ना जब भी देखो नाम बिगाड़ते रहते हैं। उन्होंने आज तक मुझे लवेश कह के नहीं पुकारा। जब भी देखो लब्बू लाल, लब्बू पुत्र, कैसा है मेरा लब्बू लाल। अरे मैं लब्बू दिखता हूँ क्या यार? ये तुम्हारा ही दांत मत दिखाओ ज्यादा है, तुम्हें अच्छा लगेगा कोई तुम्हें ज्योति के लिए जूजू बुलाएगा तो। अच्छा तुम लगते भी तो लब्बू जैसे हो। अच्छा मतलब तुम जूजू नहीं लगती, मैं लब्बू दिखता हूँ। कुछ भी मतलब यार, मतलब मौसा जी को तो आदत है सबका नाम बिगाड़ने की। मुझे तो पक्का यकीन है कि ओमिक्रॉन जिस डॉक्टर ने नाम रखा होगा पक्का मौसा जी का रिश्तेदार होगा। मम्मी का दवाई का ध्यान रख रहे हो ना? हाँ हाँ क्यों नहीं ध्यान रखूंगा। तुम्हें पता है ना मम्मी को ज्यादा तेल का पका हुआ, तला हुआ और मसाले वाला नहीं देना है, बिल्कुल परहेज। और वैसे भी तुम्हें एक बात बता दूं कि मेरी माँ ने और मेरी बीवी ने मुझे खाना इतना अच्छे से बनाना सिखाया कि मैं गलती से भी गलती नहीं कर सकता। गुड बाय। और यार तुम भी वहां पे ज्यादा घूमना फिरना मत, आराम से घर पे बैठो, हालत वैसे ही बहुत खराब है बाहर की। अच्छा लवेश सुनो, वो जो भैया थे ना जिनका लास्ट ईयर बहुत ज्यादा लॉस हो गया था, वो किसी तरह कोशिश कर रहे थे कि बच जाए उनका बिजनेस, बट थिंग्स आर नॉट इन देयर फेवर। तो तुम अपनी कंपनी में बात कर सकते हो कि उनकी जॉब के लिए थोड़ा। परसों मेरी बात हुई उनसे, उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बताया इसके बारे में। अरे यार वो थोड़ा हिचक रहे हैं तुमसे फेवर लेने में। यार फेवर कैसा यार, बुरे वक्त में अपने लोग ही काम आते हैं। अरे नहीं नहीं अरे यार तुम वो सब छोड़ो, मैं आज भैया से बात करता हूँ और मेरे कुछ 2-4 कॉन्टेक्ट है, मैं उन लोगों से बात करता हूँ। तुम भी तो इतना सोच सोच के बता रही हो मुझे ये सब। यार अब उन्होंने हिम्मत नहीं करी तो फिर मैंने भी कुछ नहीं सोचा कि रहने दो। ज्योति जब एक लड़का लड़की की शादी होती है ना तो परेशानियां तुम्हारी मेरी नहीं होती, वो हमारी होती है। और फिर जब पत्नी पति के हर रिश्ते को अपनाती है तो पति का भी तो वही फर्ज बनता है ना। तुम्हारी इन बातों ने तो मेरा दिल जीता है। नाउ डोंट मेक मी ब्लश, खाना बनाने का टाइम हो गया, मैं चलता हूँ किचन की तरफ। अच्छा सुनो, आई लव यू, आई लव यू टू। वैसे ये जो कॉलेज वाला रोमांस चल रहा है हमारा, ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को। खैर अब मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, गुड नाइट और अपना ध्यान रखना, बाहर बात मत जाना चाहता।